रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आज मुकाबले में एक बार फिर से मयंक यादव की साइड से हमें शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। अपने करियर के सिर्फ दो ही मुकाबलों में मयंक यादव अब पेस सेंसेशन बन चुके हैं। ऐसे में इस मुकाबले में भी मयंक यादव ने पिछले मुकाबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पिछले मुकाबले में जहां इन्होंने 155.6 किलोमीटर की गेंद डाली थी, आज के इस मुकाबले में इन्होंने दो गेंदें एक ही ओवर में 156 और उसके साथ ही 157 किलोमीटर की डाल दी, जिसके बाद न सिर्फ इनकी स्पीड बल्कि लाइन और लेंथ भी हमें काफी ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिली। आज के मुकाबले में उन्होंने तीन विकेट लिए, जिसमें रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और उसके साथ ही कैमरन ग्रीन की विकेट शामिल थी। कैमरन ग्रीन की बॉल तो इतनी अनप्लेएबल थी कि उसके लिए इनको यान बिशप और उसके साथ ही इनके खुद के आइडल डेल स्टेन के द्वारा काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से आने वाले T20 वर्ल्ड कप में मयंक यादव को जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ये पूरी वीडियो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, जहां पर आप जाकर मयंक यादव की पूरी गेंदबाजी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां पर जाकर आप लोग मयंक यादव की गेंदबाजी की पूरी वीडियो देख सकते हैं।